हाय गाइस, आज डेनमार्क मेंस लीग में खेला जाएगा, मती सजी के बीच मैच खेला जाएगा। तो इस मैच का आप लोग को ऑडिशन दूंगा, कौन सा प्लेयर आप लोग इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकता है इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहना। तो चलिए गाइस, टीम के बारे में हम लोग को पता है, एनालिसिस कर लेते हैं। गाइज आप सभी के लिए हमारा रियल टेलीग्राम चैनल, हमारा रियल टेलीग्राम चैनल का सब्सक्राइब करता है 20,400 ऑन सब्सक्राइब आप लोग को दिख जाएगा 20.4 के। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, इधर पर आप लोग को फाइनल टीम मिल जाएगा। देख सकते हो उन्हें बारह, जस्ट आप लोग देख लो। आप लोग अगर ऐसे उन्हें बारह करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, इधर पर आप लोग को फाइनल टीम मिल जाएगा। देख सकते हो उन्हें बारह, जस्ट आप लोग देख लो। आप लोग अगर ऐसे उन्हें बारह करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, इधर पर आप लोग को फाइनल टीम मिल जाएगा। देख सकते हो उन्हें बारह, जस्ट आप लोग देख लो। आप लोग अगर ऐसे उन्हें बारह करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, इधर पर आप लोग को फाइनल टीम मिल जाएगा। देख सकते हो उन्हें बारह, जस्ट आप लोग देख लो। तो चलिए इस टीम के बारे में हम लोग को बातें एनालिसिस कर लेते हैं। गाइस अब सभी के लिए मेरी टीम में नेसन को लिया, उसके बाद में एम मेट्रग्राट को लिया, उसके बाद में के स्टंडन को लिया, उसके बाद में एम थैमान को लिया, उसके बाद मेरी टीम में एल प्रदर्शन को लिया, टी मोलर को लिया, टी कौदिन को मेरी टीम में अभी के लिए लेके जा रहा हूँ। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन हैंडबॉल में बन रहा है। अगर इस टीम में कुछ भी चेंजेस होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, आप लोग को फाइनल टीम मिल जाएगा।